एक ऐसे समय में जब काला सूरज डूबता नहीं दिख रहा है और सुर्ख सूरज के निकलने की अभी उम्मीद नहीं है, एक ऐसे समय में जब यथार्थ गले से नीचे नहीं उतर रहा है और आस्थाएं थूकी नहीं जा पा रही हैं, एक ऐसे समय में जब अतीत की श्रेष्ठता का ढोल पीटा जा रहा है और भविष्य अनिश्चित और असुरक्षित दिख रहा है, एक ऐसे समय में जब भ्रमित दीवा स्वप्नों से हमारी झोली भरी है और पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, एक ऐसे समय में जब ये सिद्ध किया जा रहा है कि ये दुनिया निर्वैकल्पिक है, कि इस रात की कोई सुबह नहीं और मुर्गों की बांगों की गूंज भी लगातार माहौल को खदबदा रही है, जब लगता है कि कुछ नहीं किया जा सकता, दरअसल यही समय होता है जब कुछ किया जा सकता है, जब कुछ जरूर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, कविता के सार के बारे में बात करें तो स्पेशली आज के समय में तो ये कविता बिल्कुल फिट बैठती है। मतलब कैसे 2020 की स्टार्टिंग हुई, हमने वही अपने घिसे पिटे रेजोल्यूशंस जो हैं वो सब लिए और उसके बाद ये जी कोरोना भाई साहब आ जाते हैं नास पिटा कहीं का, मतलब सारे जो सपने थे वो सब तो पानी फिर गया उन पर। और उसके बाद लॉकडाउन आ गया, फिर हम छोटे छोटे पिंजरों में अपने कैद हो गए, कहीं आ जा नहीं सकते। और मतलब जैसा समय इस कविता में बताया गया है कि काला सूरज डूबता नहीं दिख रहा है, सुर्ख सूरज के निकलने की अभी उम्मीद नहीं है, तो बिल्कुल वैसे समय से हम सब गुजर भी रहे हैं और कितना समय ऐसा गुजारा भी है। और मतलब जो 90s का किड है हमारे जैसा, उसके लिए तो मेरे ख्याल में सबसे बेकार समय जो है वो हमने गुजारा है अभी और गुजार रहे हैं, और आशा है कि ऐसा समय दोबारा ना देखना पड़े। तो हाँ, तो और क्या होता है ना कि मेरे ख्याल में ऐसे समय में हम ना अक्सर ऐसा करते हैं कि अपने पास्ट मेमोरीज में चले जाते हैं, जो हमें रिलीफ देते हैं, बहुत सारी पास्ट मेमोरीज, सुंदर सुंदर मेमोरीज, या फिर अपना जो आपका डिजायरेबल फ्यूचर है वहाँ हम सैर पर निकल जाते हैं, भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा वो सब। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारा प्रेजेंट है ना, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो मतलब मेरे ख्याल में जो कवि हैं वो अंत की पंक्तियों में इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब ऐसा लगता है कि कुछ नहीं किया जा सकता, जब मन नहीं करता कुछ भी करने का, और अगर कुछ ना करें तो मन और ख़राब हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में ज़रूर कुछ किया जा सकता है और हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए। तो अंत की पंक्तियों में मुझे ऐसा लगता है कि कवि इसी ओर आग्रह कर रहे हैं कि खोजिए उन चीज़ों को, और ज़रूर इसमें बहुत सारा एफर्ट लगने वाला है, कि जो आप इन परिस्थितियों में कर सकते हैं और शायद आपको करनी चाहिए। तो इसी के साथ वो कविता को समाप्त करते हैं और इसी के साथ हम आज के कविता के सार को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर ऐसी वीडियोज और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बस टाटा।